आइटम है, इसमें डीप फ्राई होना है और ये चूल्हा इंडक्शन चूल्हा है और ये ग्रिल है कबाब सबाब बनाने का। तो ये लगाने के लिए आए थे यहाँ पे कटिंग। ये वो चीज़ है जो हमको भी पता है पर हम अभी आपको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, ये भी वो चीज़ है, हम आपको बताएंगे नहीं अभी। यार है तो वहाँ फ्री एंट्री होगा, पास मिल जाएगा आप लोगों को एक एग्जीबिशन का, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ है, मुझे पता है। क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और हमारे साथ सतपाल भाई, सतपाल भाई हैं, सतपाल भाई हैं आज के मैच में स्वागत है। और ये हमारे देखो संजीव भाई हैं और ये मैं हूँ। और आज हम यहीं पे आए भैया, पीछे में देख रहे हो ये घर, संजीव भाई ऐसे घर लेने वाले हैं इंशाल्लाह। कब लेने वाले संजीव भाई? ये देखो आज हमारा क्या काम चल रहा है यार। ये है भैया, ये किचन का सारा आइटम है, इसमें डीप फ्राई होना है और ये चूल्हा इंडक्शन चूल्हा है और ये ग्रिल है कबाब सबाब बनाने का। तो ये लगाने के लिए आए थे यहाँ पे कटिंग वटिंग, ये देख रहे हो किचन के। और यहाँ चूल्हा आना है, यहाँ पे आना है इंडक्शन चूल्हा, ये बारबेक्यू, ये डीप फ्राई, ठीक है? तो ये सारा चीज लगना है गैजेट यहाँ पे। और ये है वॉश बेसन लग गया ये, ठीक है? यहीं पे रहोगे? कहाँ जाएंगे आप? ऊपर हम जा रहे हैं, हम भी चलेंगे भैया ऊपर, जहाँ बुढ़ा वहाँ हम। तो आज यहाँ का ब्लॉग होने वाला, भाई क्या करें यार, दो दो तीन तीन दिन में ब्लॉग आता है, क्या करें, टाइम नहीं मिलता भाई, ठीक है? और संजीव भाई पार्टी देने वाले भाई, एक ही तो रह गया है। और ये सेकंड फ्लोर का किचन है, इसमें दो मार्किंग कर दिया है, ये देख रहे हो, तीन कर दिया है, एक रह गया है बस। क्यों तेल लगा रहे थे उसका? उसका आया कंपनी से मार्किंग करने के लिए आया, तो करके नहीं जाएगा? कोई नहीं, छोड़ो ना बच्चे, हम तो कर ही रहे, इतना ज्यादा तेल तो नहीं लेते, उल्टा सीधा हम तो जैसे, हाँ उल्टा सीधा जैसे भी है वैसे कर दो, पूरा व्हाइट हाउस बना रखा यार घर को। और ये देखो फ्लोर मार्किंग भी हो चुका है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल आना है, यहाँ सोफा आना है, ये सेंटर टेबल, कॉफी टेबल, ये एक चेयर यहाँ पे आना भैया। और ये हमें गैरेटर कैलाश दिख रहा होगा, ये देख रहे भैया। और कोहरा देखो बाहर, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे तक का, दिल्ली में तो धूप ही नहीं निकल रहा भाई, ठीक है? सर्दी मत पूछो, मत पूछो, बाल बाल देख रहे ना, आए भी नहीं है भैया, है गली गाड़ी तो भेजी है, मालकी गई है रस्म जोड़ी पे, मालकी गाड़ी, हाँ कल 2 बजे भेजी है ना गाड़ी, 2 घंटे पहुंचने वाली है, मालकी आएगा फोन कर रहे हो, अच्छा भेजी है, अच्छा। ये प्रिया वर्धन का कर रहा है मेकरी, करते कैसे बोलते प्रिया वर्धन? अरे भाई दिनेश आ गए, तुम कितनी देर गए, कितनी देर गए, अभी कहाँ थे? ये देखो, ये देखो भाई, ये क्या चीज बोलते हैं इसको संजीव भाई, ये हाल देखो क्या हो रहा है। ये वो चीज है जो हमको भी पता है पर हम अभी आपको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? हाँ, ये भी वो चीज है, हम आपको बताएंगे नहीं अभी, ये भी वो चीज है, अभी हम आपको बताएंगे नहीं। आप लोगों को बताना है तो बता सकते हो कोई भी, ठीक है? हाँ कमेंट बॉक्स में, हाँ जिसका कमेंट सही होगा उसको क्वेश्चन मिलेगा इनाम में, ठीक है? हाँ फरवरी में आईडी भी आ रहा है, तो वहाँ फ्री एंट्री होगा, पास मिल जाएगा आप लोगों को एक एग्जीबिशन का, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ है, मुझे पता है। हंसी देखो संजीव भाई की, सतपाल जी एंट्री फ्री हो रही है, सतपाल जी एंट्री फ्री हो रही है, एंट्री, एक के साथ एक फ्री है, हाँ। और सतपाल भाऊ ने अपने घर में रखा है भैंस, और भाई मैं गया था इनके घर पे तो भाई 2 गिलास दूध दिया था भर भर के, मैं सोचा छाछ है तो मैंने हाथ में पकड़ लिया, अब वो निकला दूध, अब दूध लेके मैं फंस गया, क्योंकि हाथ में पकड़ लिया था वो पीना ही पड़ेगा भैया। कहा हो सतपाल भाऊ, छाछ कब पिला रहे हो? छाछ 26 जनवरी के बाद छाछ पिलाएंगे सतपाल, के बाद रियल में मैं सोचा कि छाछ वो है
छाप है तो मैंने पकड़ लिया, अब वो निकला दूध, क्योंकि हमारे पड़ोसी के ना ये पड़ोसी के तो फायदा बनता है कि भाई दूध दूध पिलाओ, छाछ पियो, दूध पियो फ्री में। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लेना भी नहीं चाहिए टेंशन, ले हमारे दुश्मन टेंशन देखो, टेंशन लेते लेते सर का बाल भी गायब हो गया, देख रहे हो दिख ही नहीं रहा, ये टेंशन का है असर जो सर के बाल खत्म हो गए। बाल बाल देख रहे हो ऐसे ही यार, क्या करें भाई, मेहनत मजदूरी करने वाले भाई, उसी बीच में टाइम निकाल के थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं तो बाल बाल का ध्यान नहीं देते भाई, क्या करेंगे, काम वाम करने आए तो बाल बाल तो बाद में देखा जाएगा, कहीं पार्टी शार्टी में चलते हैं तो बाल बाल देखा जाता है, अभी तो अभी काम करना है भाई, काम करना है तो बाल बाल का थोड़ी ना देखना है, देख रहे हो मेहनत करने वाले लोगों को बाल बाल कुछ नहीं, देख रहे हो धोती बांध के भाई साहब कर रहे हैं ये हमारे, देख रहे हो, और ये भी फ्लोर मार्किंग कर दिया भैया हमारे गोपाल साहब ने, ये फ्लोर मार्किंग सारा बंद करा है और गोपाल साहब मुंबई में ऐश कर रहे हैं, गोपाल साहब हमारे मुंबई में ऐश कर रहे हैं, ऐश अभी बहुत काम आ गया, यहाँ का काम तो बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है, क्या करें, थोड़ा थोड़ा काम होता फिर आना पड़ता है, चलता रहे भाई तो या और ये कबूतर, और कबूतर मैं भग गया, कबूतर कबूतर भाग गया रे भाई। पार्टी शादी का फुल जुगाड़ कर रहा है छत पे, देख रहे हो ये हो गया काउंटर, यहाँ पे खाना वाना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सर्व होगा, और ये टाइल का डिजाइन देखो यार, या उस समय ये देखो टाइल का डिजाइन, और ये नीचे सावर फुवारा है ये, ठीक है, और ये इस दीवारों पे जो दिख रहा है ना वो छोटा छोटा सा दिख रहा है, वहाँ से फोग निकलेगा मतलब धुआं सा, सर्दियों में धुआं मतलब गर्मियों में धुआं निकलेगा, हवा चलेगा और धुआं निकलेगा, ऊपर लगा रखा पाइप, फुल पार्टी का इंतजाम कर रखा है छत पे, और ये काउंटर देखो यहाँ चलेगा पार्टी, और ये हमारे भाई छत को तोड़ रहे हैं, कभी बनाते हैं कभी तोड़ते हैं, ये छत दो बार टूट चुका है, दो बार बन चुका है ना, टाइल लगेगा ना तो अच्छा, और भाई आज आया धूप थोड़ा सा, देखो 2 बज रहा है अब धूप निकला थोड़ा सा छत पे, ठीक है, और ये देखो फ्लाईओवर भैया हमारे, फ्लाईओवर भैया देख रहे हो राकी ट्रक, ये देखो गाइस परबोला बना रहे हैं ये लोग छत पे, इसको बोलते हैं परबोला, ये परबोला क्यों बोलते हैं भाई हमको नहीं पता, यहाँ पे क्या है कि जैसे बारिश वारिश होएगा ना तो यहाँ पे सिटिंग होएगा, ये परबोला बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं परबोला, क्या क्या नाम दे रखा है यार इंटीरियर डिजाइन में ना, एक से एक चीज़ों का, हम तो बोल देंगे भाई छत पे छूटने के लिए जगह दे रखा है, इसको बोलते हैं परबोला, परबोला क्यों बोलते हैं भाई बताना हम लोगों को, ठीक है, कि इसको परबोला क्यों बोलते हैं, ठीक है गाइस,